रंगला पंजाब जे बनाउणा उहदे वास्ते सेहतमंद पंजाब पहलां चाहीदा है। 96% to 97% लोक जिहड़े ने ओह महल्ला क्लीनिकां चों ठीक हो के घरे वापस चले जांदे ने। सरकारी हस्पतालां ते बर्डन बहुत घट गया। मोहल्ला क्लीनिक जिहड़ा बनिया होया उहदी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, उत्थे सब तरह दीआं फैसिलिटीज़ दित्तीआं होईआं सरकार वल्लों। 2 हफ्ते तो खंघ ने बहुत परेशान कराया था जी। मैं पहला बार प्राइवेट दवाई लैंदा रहा, फिर इत्थे आके लती जी, टेस्ट फ्री होया, इत्थों मैं ठीक हो गया, हुण मैं ठीक हाँ बिल्कुल। शानदार मोहल्ला क्लीनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर ऐड कर देंगे ने, जिते दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है, टोटल पेपरलैस है। मान साहब ने बहुत वधिया उपराला किया, वधिया काम करिया सरकार ने, गरीबों का भला करता। पंजाबी च कहा जाता है बाकी दे काम बाद च, पहला सेहत जरूरी है। सो असी जदों सहु चुकी तो पहले ही साडा विजन ये सीगा कि पंजाब दे विच हैल्थ टॉप क्लास का इलाज होवे। सो एक मैडिकल हब के रूप दे विच असी सोचा है, और मैं कोई एहसान नहीं कर रहा तुहाडे ते, मेरा फर्ज है जी। मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार के खेल मंत्री सर विश्वास सर हमारे साथ हैं, और मेरे सपोर्ट मेरे इतना मुझे खुशी हुई कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मुझे वेलकम के लिए आए, और मैं मध्य प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। मैं डॉक्टर मोहन सर का बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये अनाउंस किया, और ये एक स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है जब आप अच्छा करते हैं और आपकी सरकार आपको एक प्रोत्साहन के रूप में आपको बढ़ावा करती है, एक मोटिवेशन देती है। बहुत अच्छा रहा कि एक ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि जो हार्डवर्किंग जो आपके बिहाइंड द सीन जो से बोल सकते हैं खेलों में कल्याण विभाग जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा, हमेशा मैं वहाँ से बेसिक सीखा हूँ, तो कहीं ना कहीं अनसीन हीरो के तौर पे हैं यहाँ पर जो कि नहीं दिखते लेकिन उनकी सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर। जी हाँ, वो बहुत अच्छा एक बोल सकते जर्मनी वाला मैच हार्ट ब्रेकिंग था सभी के लिए और मेरे लिए भी था नो डाउट, कि उसके बाद ओवरकम किया और कास्ट पदक पे पूरा फोकस किया कि हम लोग ये लेके आगे अभी फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि अभी SCT है उसमें हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करें। बहुत गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए, हमारे ग्राम के लिए, हमारे जिले और प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए, हम सभी खुश हैं, पूरा देश खुश है, और बड़े गर्व की बात है कि विदेशी धरती पर जाकर उसने मेडल लेकर आया। और क्या उम्मीद है आने वाले समय? आने वाले हमें तो आशा है कि अब 4 साल बाद फिर ओलंपिक होगा और आने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल की आशा कर रहे हैं। कब विवेक ने आपको बताया? क्योंकि परिवार में हम देखते हैं अमूमन कहते हैं कि खेल से दूर हो, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करो, लेकिन आप लोगों ने किस तरीके से सपोर्ट किया खेल के लिए? अब वो तो हर गार्जियन का, मैं एज ए टीचर मैंने तो वही जो बात है कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करे खेल में ना जाए, वो मैं भी किया हूँ, लेकिन उनके मम्मी भाई ये सपोर्ट किए, हमें भी ना बताए और वो आगे बढ़ाए। तो कई बार ये है कि आप डांटते भी थे तो माँ बचा लेती थी? हाँ जी हाँ जी हाँ, डांटता था तो ये बचा लेती थी, और मेरे डर से दूसरे दरवाजे से पीछे से ये सब बुला लेते थे। अच्छा, पिटाई ना हो जिससे पीछे के दरवाजे से बुला लेते थे, लेकिन आज उनकी माँ का बचाना और भाई का बचाना कहीं ना कहीं अच्छा रहा हो, और आज ही गगन मतलब देश का नाम, तिरंगे का नाम ऊंचा कर ले। उन पेरेंट्स से आप क्या कहेंगे जो कहीं ना कहीं अपने बेटे को खेल से दूर रखते हैं, उनके जो एम रहता है उससे दूर रखते नहीं? उन सभी पेरेंट्स के लिए संदेश यही रहेगा कि बच्चा यदि खेल में जा रहा है तो खेल में भेजे, पढ़ाई में जा रहा है तो पढ़ाई में, उसको मतलब
उसका टैलेंट समझे, उसको समझकर जिस क्षेत्र में जा रहा है उस क्षेत्र में भेजे, तभी सफलता मिल सकती है, तभी सफलता मिलेगी। जी हाँ, आपने कई बार बचाया है अंकल ने, जिस तरीके से बताया कि वो खेलने जाते थे और क्योंकि टीचर है तो बोलते थे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करो, तो पुरानी याद है यदि आप बता सकें। जी वो जब ये डांटते थे तो वो एक दरवाज़ा मारेंगे ना तो दूसरे दरवाजा से बाहर निकल जाता था, फिर हम लोग बचा लेते थे कि वो सब्जी खरीदने गया है। अच्छा, मतलब माँ को पता था कि कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा, यही कारण है उसे खेलने में भी आपने साथ दिया। जी नहीं, उस समय तो हमको पता ही नहीं था कि ये क्या कहते हैं, बाद में पता चला कि हाँ ये हॉकी ये ऐसा है। आज खोते हैं लेकिन काफी। जी भाई भी हैं। जी बताया कि माँ बचा लेती थी, आप बचा लेते थे जब पिताजी मारने के लिए करते थे कि कहाँ हैं, दिन भर से गायब हैं। जी क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, वो हमारा फर्ज होता था उस समय, पापा आपको स्ट्रिक्ट थे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग उसको जिस तरीके से भी बचाने की कोशिश करते थे, तो मम्मी और सिस्टर्स का ज़्यादा योगदान रहता था, तो ये वही दूसरे दरवाजे से अंदर कर देना, कभी अगर पिटाई हो भी रही है तो भगा देना उसको कि भाग जाओ, इस टाइप की चीज़ें होती थी बचपन में, तो बचपनों की तरह बिल्कुल उसके आज गर्व महसूस कर रहे। बहुत गर्व महसूस होता है आज, तो बहुत अच्छा लगता है कि उस समय, उसके बाद भी उसका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, जिस इस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है उसने, तो आज उसको देख के लगता है कि हाँ वो सारे स्ट्रगल जो है वो सफल हुए हैं उसके। आगे क्या उम्मीद है अपने भाई? आगे यही उम्मीद है कि अभी एशियन गेम्स में जा रहा है तो वहाँ पे भी, सॉरी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी में जा रहा है वहाँ पे भी गोल्ड आए, और आने वाले जितने, अभी तो टीम बहुत अच्छा खेल रही है तो मेरे ख्याल से आने वाले टूर्नामेंट में हम एवरी टूर्नामेंट में गोल्ड का ही उम्मीद रख सकते हैं इंडिया के साथ। पता की बात है कि विवेक ने आज देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का जो सपना है कि मध्य प्रदेश खेलों में भी बहुत आगे बढ़े, उसमें हम सब प्रयासरत हैं, और ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि विवेक ने आज हमारा नाम रोशन किया है, बहुत हम खुश हैं। आगे गोल्ड की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से विवेक के नेतृत्व में आगे और बढ़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।